जय हिंद, गुड इवनिंग। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद सभी दोस्तों को, फिर से गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज का जो ये वीडियो है, ये छोटा सा वीडियो है आप सभी के इन्फॉर्मेशन के लिए। मैं ये छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए अपलोड करूँगा। आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। SSC GT 2023 की जो भर्ती आ रही है उसके लिए हमारे चैनल के ऊपर में पूरी प्रोसेस कराई जाएगी। तो आप यदि उसके लिए तैयार हो रहे हैं या इस बार उसके लिए एलिजिबल है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वो जो वीडियो अपलोड हुआ है सारा डिटेल्स है, कब डॉक्यूमेंट होने अनिवार्य है, तो ये सब चीज़ों पर उसमें चर्चा की गई है। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखना। सारे वीडियो का लिंकअप दे दिया गया है। उसके बाद इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुआ था उस वीडियो में हम इन्फॉर्मेशन अच्छा उसमें दिया गया है, उस वीडियो को अपलोड किया है, उसको आप लोग देखेंगे। उसके पहले एक वीडियो अपलोड हुआ था जिस वीडियो में ये बताया गया था कि आपके ज्वाइनिंग कब होगी, आप आएगी और आपका ज्वाइनिंग लेटर कब से आना शुरू हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर आने के कितने दिन बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। ये सब वीडियोज अपलोड है, आप लोग जा करके देखें, सर्च करें और अच्छे से देखें और बिना स्किप किए हुए देखें। समय को बिना बर्बाद किए हुए हम टॉपिक के ऊपर चलते हैं। वीडियो छोटा है, बिना स्किप किए हुए देखना। SSC GD 21 की भर्ती की बात कर रहे हैं हम। इसमें बता रहा है कि ज्वाइनिंग के टाइम आपका मेडिकल होगा या नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि सर ज्वाइनिंग के टाइम पे मेडिकल होगा या नहीं होगा, क्योंकि 2018 वाली जो भर्ती है इसमें ज्वाइनिंग के टाइम पर मेडिकल हुआ था, तो क्या इस वाली भर्ती में मेडिकल होगा या नहीं होगा? भाई, इस मेडिकल भर्ती में जो मेडिकल होता है फाइनल मेरिट बनने के बाद और ज्वाइनिंग हो जाने के बाद, तो उसमें कुछ शर्तें होता है। उस शर्तें को जब वो शर्त जब उस चीज़ को लागू करता है तभी उसका मेडिकल होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो ज्वाइनिंग के टाइम मेडिकल होगा या नहीं होगा? भाई, इस बार की जो भर्ती है इसमें ज्वाइनिंग के टाइम कोई भी मेडिकल नहीं होना है। इस बार जो ज्वाइनिंग हो रहा है इसमें 100% बता रहा हूँ कि मेडिकल नहीं होगा ज्वाइनिंग के टाइम। क्यों नहीं होगा इसका एक रीज़न है, वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, यदि मेडिकल होगा तो क्या शर्त होगा, क्या शर्त होगा जो मेडिकल होगा? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो SSC GD की जो 2021 की भर्ती है इसका जब भी ज्वाइनिंग होगा मेडिकल नहीं होगा इस बार। इसके पीछे शर्त ये है, शर्त ये होता है कि मेडिकल क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस बार जो भर्ती है ये एक साल तक अब नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये लास्ट स्टेज में चल रहा है। और 3 महीना के अंदर अंदर जो मैंने ये ज्वाइनिंग का वीडियो डाला हूँ, जो कब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, कब फाइनल मेरिट आएगा, कब ज्वाइनिंग लेटर आएगा और कब से ज्वाइन होना, वो वीडियो ज़रूर देखना। उसमें मैंने जिक्र कर दिया है कि कितने दिन बाद आपका ज्वाइनिंग फाइनल मेरिट आ जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा और आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो जब आपका फाइनल मेरिट, जब आपका फाइनल मेडिकल होता है, यानी आपका जो मेडिकल होता है उस मेडिकल के डेट से जिस दिन आपका ज्वाइनिंग होता है उस दिन तक यदि 1 ईयर हो जाता है, यदि 1 साल हो जाता है जिस दिन आपका मेडिकल हुआ था उस दिन से लेकर के जिस दिन आपका ज्वाइनिंग हो रहा है उस दिन तक यदि 1 साल हो जाता है तो फिर ज्वाइनिंग के बाद आपका मेडिकल होगा, अदरवाइज आपका मेडिकल नहीं होगा। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था कि जब DME हुआ था, ग्राउंड फिट जितने भी लोग थे सारे लोगों का ज्वाइनिंग के बाद मेडिकल हुआ था, और जितने भी लोगों का RME हुआ था उनका मेडिकल नहीं हुआ था, क्योंकि RME वालों का 7 से 8 महीना हुआ था, तो 7 से 8 महीना में मेडिकल नहीं होता है। कम से कम जब मेडिकल होता है तब से ज्वाइनिंग के बीच में 1 साल का यदि गैप हो गया, यानी ये 1 ईयर हो गया, तो फिर आपका मेडिकल होगा, अदरवाइज आपका मेडिकल नहीं होगा। तो 100% हम सियोरिटी के साथ आपको दावा करके कह रहे हैं और फौजी फोर्स अकेडमी आपको दावा करके कह रहा है कि इस बार की भर्ती में ज्वाइनिंग के टाइम कोई भी मेडिकल नहीं होना है। गारंटी है कि नहीं होगा, क्योंकि आपकी भर्ती अब अंतिम स्टेज में चल रही है और अब आपका फाइनल मेरिट बहुत ही जल्द आने वाला है। यदि वो फाइनल मेरिट वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना। कट ऑफ का ऊपर वीडियो एक बाय एक करके मैं डाल रहा हूँ, उसको देखते जाना, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे, आप लोग इंतज़ार करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर कर देना। जय हिंद।